बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स या ब्रेकफास्ट के लिए स्पाइसी मसाला फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। बहुत ही शानदार ये मज़े की रेसिपी है और आसान रेसिपी है, तो वीडियो को देखिएगा। इसके लिए मैंने ये ग्रीन ऑनियन ली है, आप नॉर्मल ऑनियन भी ले सकते हैं, दो चम्मच, दो तीन चम्मच जो है, एक अंडे के लिए मैं बता रही हूँ, दो चम्मच ही हमें ये कैबेज चाहिए, बंद गोभी, थोड़ा थोड़ा सा मसाला है, हल्दी, नमक और सूखा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च है, लहसुन अदरक आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें, और थोड़ा सा इसमें मसाले डाल के तो आपने सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं। मैं शिमला मिर्च, गाजर और प्याज डालूँगी। तो ये मसाले सारे मैंने डाल के थोड़े थोड़े से नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी डाल लिया इसमें। अंडे को फेंट लिया है, एक अंडा मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा सा, ये देखें सारी चीज़ें आपने इस तरह ऐड करनी है, झटपट से आपके ये टोस्ट बन जाते हैं, मसाला टोस्ट, और बहुत ही लजीज होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, हल्का सा बस, सिर्फ कलर ज़्यादा इसको अच्छा देने के लिए, इससे ये ज़रा इसका जब फ्राई होगा तो कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। या अगर आप इसमें फूड कलर नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप हल्दी थोड़ी सी और बढ़ा दीजिएगा। चलिए अब मैं स्लाइस ले लेती हूँ ब्रेड के, मैं तकरीबन दो से तीन स्लाइस जो हैं उनको, ये अंडा जो है एक जो है काफ़ी है, तो इसके हिसाब से आप जितने भी अंडों का बनाना चाहेंगे इस हिसाब से बनाते जाइएगा। अब ये मैंने देखें अंडे को सिर्फ कोटिंग अभी की है, और दूसरा चम्मच की मदद से आप इस पर आपने जो वेजीज़ हैं वो फैला लेनी है। वेजिटेबल्स जो हैं वो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें, धनिया है, और जो भी मटर वगैरह बॉयल किए हुए हैं, चिकन बॉयल किया हुआ, कोई भी सब्ज़ी अगर रात की बची हुई है तो वो निकाल के ऑयल साइड पे करके तो अंडे में आप शामिल कर सकते हैं। तो ये वेजीज़ वाले जो हैं आपके स्पाइसी मसाला टोस्ट बन सकते हैं, जैसे कि आलू कीमा वगैरह बना हुआ हो घर में, या आलू अंडे बने हुए हों, तो उनको भी सिर्फ आपने मकसद है कोटिंग करने का। इस तरह से आपने देखे ब्रेड के ऊपर मैंने कोटिंग की है, एक साइड पे अभी की है, बाकी थोड़ी सी जो है जब हम इसको सॉस पैन में डालेंगे तो दूसरी करेंगे। अब मैंने एक चम्मच जितना ऑयल डाला है सॉस पैन में, और इनको मैं रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करनी है आपने, क्योंकि अगर हाई फ्लेम करेंगे तो कलर इनका ज़्यादा डार्क होके तो वो जल जाएगा, और बच्चों के लिए आप बना रहे हैं इसलिए एहतियात से बनाइएगा। वेजिटेबल्स को पकाने का कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सारी सैलड वेजिटेबल्स हैं, तो इनको जस्ट हमने कलर देना है ब्रेड को। तो एक साइड जो है जब वो थोड़ी सी पक जाएगी तो मैं इसको टर्न करके तो उसके ऊपर भी वेजिस बाकी जो बच गई थी मेरी उनको मैं अप्लाई कर दूंगी। इसी अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना है तो इस टाइम पर आप चाट मसाला भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये देखें आप, दूसरी साइड टर्न कर दी है मैंने, और इसके ऊपर भी वेजिस लगा के इस तरह से आपने इनको बना लेना है। देखिए दोनों साइडें कितनी प्यारा कलर सीख गई है। सिर्फ दो से तीन मिनट में आपके ये सैंडविच बन सकते हैं। बच्चों के लिए टोस्ट ज़रूर बनाइएगा, नाश्ते में आज ही बल्कि बना डालिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जब आपने ट्राई किए तो कैसे बने। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।